नमस्कार पशुपालक साथियों, सभी भाइयों का स्वागत है जी आपके अपने जैसिंग यादव डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो लेकर के आ रहे हैं जी गांव उमरा, जिला इसार से अनिल भाई के यहाँ से। आज की वीडियो में चार जोटियाँ दिखाएंगे भाई, चारों जोटियों के साथ में जो कटड़ी है जी, कटड़ा नहीं है, और बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है भाई। जो भी पशुपालक भाई अपना पहली बार कवरेज को देख पा रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके। बहुत ही शानदार जोटियाँ हैं भाई, एक जोटी कल की ब्याई हुई, एक आज की ब्याई हुई, और दो जोटियाँ हैं जो तीन दिन, दो से तीन दिन की ब्याई हुई हैं। फुल हाइट लेंथ में है, और ये देखिए जी बहुत ही भारी भरकम जोटी। पूरी की पूरी जानकारी भाई साहब से लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, और जी क्या हाल चाल है? तो कैसा चल रहा काम धंधा? बढ़िया भाई। तो जो पीछे जो वीडियो लगी, दो वीडियो अपनी लगी थी, क्या रिस्पॉन्स रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा भाई साहब जी। वीडियो के माध्यम से गई भी है ऑनलाइन, काफी मैसेज गई अपनी। अच्छा अच्छा, बीच में वीडियो नहीं बनाने का मौका नहीं मिला, कई बार आपके पास फोन किया लेकिन आपको टाइम नहीं था। जी जी, जैसे नाइट को भाई देखो पेड़ में घूमते रहते हैं भाई, देखो हर पशुपालक की तरफ देखना पड़ता है। तो भाई के कॉल भी आए लेकिन भाई के पास में नहीं पूछ सके, और काफी पशुपालक भाइयों की जो डिमांड कमेंट के ऊपर भाई की वीडियो लेकर क्या रहे हैं, क्योंकि भाई ने जो पीछे दो वीडियो कवर करवाई उस वीडियो में बहुत ही शानदार पशुधन दिखाए और जो रेट वो भी बिल्कुल जायज मिले, इसीलिए भाइयों के कमेंट के आधार पे जो वीडियो लेकर क्या रहे हैं। तो भाई साहब अपना पूरा एड्रेस बताए जी। गाँव उमरा भाई साहब जी, तहसील हांसी डिस्ट्रिक्ट हिसार जी। तो अपना संपर्क सूत्र और बताएं जी। 9812-87606 जी। तो एक नंबर पे जो टीस की क्या कुछ डिटेल है जी? ये भाई साहब मुंह तो दो दांत है। अच्छा, परसों बच्चा दिया था, फीस तक खाली हुई है। अच्छा 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 अच्छा, परसों बच्चे को जन्म दिया था जी, मुंह से दो दांत कटड़ी है, और फुल हाइट लेंथ की, और जो बिल्कुल छोटा सींग की, ये देखे जी बिल्कुल छोटा सींग है। तो दांत कन्फर्म करा देगी, देख लो चेक करके देख लो एक बार, ये देखे जी ओरिजिनल दो दांत है जी। कोई भी भाई अपना आकर के संतुष्टि कर सकता है, ओरिजिनल दो दांत हैं, देख कोई बात नहीं, देख ली भाई। और इधर ले आए फुल लाइट लेंथ में, और बिल्कुल छोटा सींग। जो अडर की बात करें तो बहुत ही लाजवाब अडर है जी, पैरों का बीच का बिल्कुल टाइट अडर है जी, और दो थनों का गैप है आप देख पा रहे हैं। और लगभग मैं 3 बजे के आसपास जो वीडियो कवर कर रहा हूं भाई साहब, सुबह किस टाइम चुवाई हुई थी इसकी? 5:30 से 6:30 बजे चुवाई शुरू करा। अच्छा 6:30 बजे। अच्छा अच्छा, 5:30 से 6:30 के बीच में जो इस रोटी की चुवाई हुई है भाई, और जो साइड से थनों का गैप है वो आप देख पा रहे जी, और जो अडर पे उभरते हुए नशे हैं ये देखे जी, 4x4 अडर लगे हैं जी। तो कल की ब्याई है ना? परसों की ब्याई है। अच्छा, सुबह खाली कर दी है, जब अपने पूरे दूध के ऊपर आएगी तो बहुत ही बढ़िया जोटी बन के आएगी जी। ये देखे बहुत ही बढ़िया ऑर्डर लिए हुए भाई। तो दार चुवाई में कैसी निकली भाई? एक नंबर की भाई। तो पहले ब्याह थी, थोड़ी बहुत गुदगुदी वगैरह मानते हैं? गुदगुदी मानना भाई साहब अभी इसकी। अच्छा अच्छा, थोड़ी पार उठावा है, वैसे लात लूत मरती नहीं। अच्छा, पांव उठाओ थोड़ा बहुत। जो पहले ब्याह का जो पशुधन होता है, अभी देखो इतना थोड़ा बहुत तो अग्रसपन जरूर नजर आता है जी, साथ में कटड़ी। कटड़ी कौन से बुल की है? सिमन की भाई साहब? ये अपने गांव में ही बुल है उसकी भाई साहब। अच्छा, पंचायती बुल की कटड़ी है, बुल है उसकी, हिमाचल में रिकॉर्डेड है। अच्छा, मुक्सर भी शायद 2012 में 22 किलो कुछ ग्राम निकाला था उसने, 5 महीने गई ने। अच्छा अच्छा हाँ। और ये जी, ये कोई सिमन की है जोटी? PC 483 की जोटी है ये जी, HLDB के PC 483 की जोटी है जी, और बहुत ही बढ़िया नीचे का भी सिस्टम है, बहुत ही बढ़िया है जी। तो भाई साहब अब आ गई मोक रेट की बात, तो क्या कुछ से मोल भाव है, रेट वो बताना जी जैसे आपने पिछले वीडियो में मांगे जी। रेट तो जी दो देने है जी, ठीक है ना? जी जी जी, जो इस भाई ने जोटी की जो रेट की डिमांड की है भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, जो भाव किया भाई ने वो कैसा किया। तो दो नंबर पे है इसकी क्या कुछ डिटेल है जी? इना भी बच्चा भी जन्म लिया भाई साहब, 1 घंटा हो गया। अच्छा अच्छा, घंटा जोटी देखे जी, फुल लाइट लेंथ में, पीठ पुट्ठा देखें,
और जो थनों का गैप है वो आप देखे जी, बच्चों ने बुलाया कि 3-3.5 किलो खीच निकाल, 3 से 3.5 किलो जो जी 3 से 3.5 किलो खीस वगैरह है भाई ने निकाल चुक लिया भाई। और साथ में कटड़ी है ना, साथ में कटड़ी है। और जो साइड से आप भाइयों को और दिखा देता हूँ थनों का सफेद, ये जो आगे का थनों का गैप आप देख पा रहे जी, बहुत ही शानदार। और अगाड़ी भाई ने खाली कर दी है, दो चार दांत छोड़ रखी है भाई। और जो नसें हैं थोड़ा आप भाइयों को नजदीक से और दिखा देता हूँ, ये देखे जी बहुत ही बढ़िया शरीर पे जस्ता वासिंग, लंबाई हाइट बहुत ही बढ़िया जी। तो इसका क्या कुछ है जी, कितना दूध निकाल देगी ये? दूसरे बैत में है जो पीठ है ये देखे जी, थोड़ा खोल लें भाई सब इसको भी, ताकि पूरी संतुष्टि हो जाए भाई, किसी प्रकार से कोई नंगड़ापन वगैरह ना हो पशुधन में। खोलने के बाद में जो पूरा पछताता जाता भाई, बहुत ही चौड़ाई है पीठ की भाई, और जो बिल्कुल टाइट अडर लिए जी ले हैं भाई साहब, 15 से 16 किलो दूध इसने पहले बैत में निकाला बता रहे हैं भाई। और बिल्कुल टाइट अडर लिए हुई, थनों का गैप है काफी साफ सुथरा, बंद है भाई साहब ये देखे जी, फुल हाइट लेंथ में जी, साफ सुथरा पशुधन जितना भी देखने को मिल रहा भाई। तो 17 से 18 किलो दूध निकाल देगी भाई साहब जी, तो क्या कुछ मोल निकाल के दे भी जाए, निकाल दी होनी कांडा गिर के दे दें हमरे। अच्छा अच्छा, लोगों तेरे नु कोनी भाई है जी, बाद को भाई टोकन में डाले तो निकाल के दे दूंगा, निकाल के दे दोगे? हां निकाल के दे दें, पहले भी निकाल के दिया 20 किलो की भैंस का, 70,000 की भैंस। हां उसके कमेंट आया था भी इतना दूध नहीं देगी, हां मैंने कहा था निकाल के दूंगा, क्योंकि टोकन में डाल दी पंजाब का अपना एक बंदा मनसा का, वो लेगीगा उसको तोल के दिया 20 किलो भैंस जी 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 जी। तो इसका क्या कुछ मोल भाव जी? इसके 1,45,000 रुपये, 1,45,000 रुपये जी। 3 नंबर पे एक और देख पा रहे जी, फुल हाइट लेंथ में बिल्कुल पतली चमड़ी का पशुधन, और बिल्कुल पैरों का बीच का टाइट एडर लिए हुए जी। दारचोई में कैसी है भाई साहब? फर्स्ट है भाई साहब सारी जी। और टेल वगैरह है आप देखे जी, लगभग 4 या 5 इंच टेल सफेद होगी, पीठ कूड़े की बहुत ही बढ़िया, शरीर पे जस्ता वासिंग, साथ में कटड़ी है ना, कटड़ी भाई साथ में कटड़ी। कौन से ब्यात में जी? अच्छा आप लेकर के आए वहाँ, दूसरे ब्याह में बताई थी अच्छा अच्छा बड़ी होकर के भाई, तो आप तीसरे बता रहे हो जी, साइड से ये देखे जी बहुत ही बढ़िया। तो कितने दिन की ब्याई होगी भाई साहब? चौथा दिन भाई, चौथे दिन की ब्याई। कितना दूध है जी फिलहाल? कट्टे का 11-12 किलो दूध, 11-12 किलो कट्टे तोल का, 11 ऊपर है। अच्छा 11 से प्लस है, प्लस है। तो कितना दूध की उम्मीद है जी, कितना दे देगी? 18 किलो दूध की उम्मीद है भाई, 18 किलो निकालेगी निकालेगी जी। तो साथ में कटड़ी है, साथ में तो इसका क्या कुछ मोल भाव है? इसके 1,25,000 रुपए भाई, 1,25,000 रुपए तोल की दे दें दूध, इसी कोई बात नहीं, जो बेरी है तोल के दूध दे दें। 1,25,000 रुपए में कितना दूध बताया भाई साहब? 18 किलो, 18 किलो दूध तोल करके दे देंगे, बिल्कुल जायज भाव मांगे भाई हमने, तो जायज लगा भाई। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, और कोई भी पशुपालक भाई अपना साई वगैरह लगा करके 18 किलो दूध इसका कट्टे पे तुलवा करके ले सकते हैं, 1,25,000 रुपए जो कीमत भाई ने बताया। साथ में ले आएगा भाई, कोई भाई को। अच्छा कट्टा अपने साथ में ले आएगा जी, उधर ले जाए, कट्टे तोल का जो 18 किलो दूध अपने तोल कर ले जाए भाई, बहुत ही बढ़िया पशुधन है, बिल्कुल पैरों का बीच का टाइट अडर, लंबाई और ऊंचाई आप देखे जी बहुत ही बढ़िया जी, ले आए भाई साहब। और कीमत रखी है भाई ने केवल मात्र 1,25,000 रुपये, ये देखे जी बिल्कुल बारीक चमड़ी है जी, और स्वभाव बिल्कुल शांत है, पैरों का बीच का बिल्कुल टाइट अडर लिए जी, ये देखे जी बहुत ही बढ़िया। तो 4 नंबर पे एक और भैंस देख पा रहे जी, बहुत ही भारी भरकम, एक एक नशे शरीर पे उभरती हुई। तो थोड़ा भाई साहब ये फर्क वगैरह रखा है क्या? हाँ इतना फर्क है भाई साहब, जोटी में अच्छा अडर में थोड़ा हाथ टेढ़ापन जरूर नजर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है जी। और तो ले आने वाला टाइम है, और साइड से देखे जी गैप थनों का, और आगे जो अडर है देखे आगे सुंडी तक लगे है जी, बहुत ही बड़ा अडर का पशुधन है जी। तो इसकी क्या कुछ डिटेल है जी? इसने भाई साहब पिछली बार 22 किलो दूध दिया था, तीसरे ब्याह में 22 किलो
अच्छा अब चौथी बार ब्याई हुई है। चौथी बार ब्याई है। अच्छा 16-17 किलो कट्टा, 16-17 किलो कट्टे तोल का दूध है। और पिछले बैत में 22 किलो रिकॉर्ड है। अब की बार क्या कुछ उम्मीद कर रहे हो भाई? उम्मीद तो देखो अभी तो भाई मैं लंबू लक्की पता लगा क्या उम्मीद है। अच्छा 16-17 किलो कट्टा मौका। अच्छा अच्छा उम्मीद तो ज्यादा है। तो इसकी लाइव करवाओगे सेल करोगे? ना लाइव चलाए भाई सेल नहीं करे इसको। अच्छा ये तो 1% नहीं कराएंगे। अच्छा इसको नहीं सेल करनी है जी, लाइव चलवा करके दूध तैयार करवा करके फिर भी सेल नहीं कराएंगे। अच्छा ये नोट फोर सेल है। फिर सेल नहीं करेंगे जी। तो एक आप भाइयों के लिए गोवंश और दिखाएंगे भाई, बिल्कुल शांत स्वभाव का जो गोवंश यहाँ देखने को मिला भाई, क्योंकि हम आए हाथ वगैरह इसको ऊपर फेरा भाई तो बिल्कुल शांत स्वभाव की हमें लगी। बाकी आप आकर के संतुष्टि कर सकते हैं भाई, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ऑर्डर किए जी। ये देखिए जी, तो क्या कुछ डिटेल है भाई साहब इसकी? पहले ब्यात में 14 किलो दूध निकाल रखा है, कहीं रिकॉर्ड वगैरह होया भाई साहब? ना ना किसान का भाई साहब। अच्छा कच्चे कुट्टे से लेकर के आए हो जी? 14 किलो पहले ब्यात में निकाला है जी। बच्चा क्या साथ में? बछड़ा है ना। दूसरी बार ब्याई है? दूसरी बार जी जी। तो दारसवाई में कैसी है भाई साहब? बढ़िया भाई साहब जी, बहुत ही बढ़िया पशुधन देखने को मिला। अब की बार क्या कुछ उम्मीद है भाई साहब? देखा 16-17 किलो दूध देना चाहिए भाई साहब। 16-17 किलो दूध नॉर्मल देना चाहिए, नॉर्मल 14 किलो दे रखा है। अच्छा अच्छा, तो ये भी सेल के लिए है? हाँ सेल के लिए भाई साहब, लेकिन व्यापारी कोई फोन ना करे भाई, कोई बेचने वाला। अच्छा सब कोई घरेलू आदमी बढ़िया घर सेवा करने वाला। अच्छा घर पे सेवा करने वाला जो भाई कॉल करेगा उसको मिलेगी? मिलेगी। तो बिक्री वाले भाई के लिए नहीं है? 5 लाख की 10 लाख की भी नहीं भाई साहब। अच्छा कोई 10 लाख रुपए दे तो भी नहीं मिलेगी? अंदर भाई साहब पैसे भी दे थे। हाँ हाँ अंदर बैठी बाकड़ी हो रही है जी जी, खूब पैसे लगाओ लेकिन अपन मना के जी। तो इसका क्या कुछ देखो भाई, अपना हरियाणा नस्ल की गोवंश है, ऐसा पशुधन का देखो रेट तो होता नहीं है, लेकिन जो ऑडियंस जुड़ी है मौका पर रेट कराएंगे जी। आपसे सिस्टम इसका तो मौका का रेट है, दूध निकाल के अगला देखा दो टाइम जी जी, कोई दिक्कत नहीं उसके बाद रेट कराएंगे। तो इसका भाई कोई पशुपालक भाई अपना घर रखने के लिए आएगा तो अपना आकर के आके दो टाइम दूध निकाल के 3 टाइम दूध निकाल संतुष्टि करके। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया भाई। इनको भाई काफी लंबा समय तक दूध गुंदे हुए। हां हां मतलब 1.5 महीने से 40 दिन से छोड़ दी है यहां। अच्छा ये भी बैठ जाएगी? अच्छा अच्छा केवल 40 दिन से छोड़ रही जी। बहुत ही बढ़िया जी, जितना भी पशुधन देखने को मिला भाई बहुत अच्छा पशुधन मिला भाई। अगला कोई भी भाई अपना पशुधन लेने के लिए इच्छुक हो तो भाई का जो कॉन्टेक्ट नंबर है रेगुलर चला हुआ जी, संपर्क कर सकते हैं। और भाव जो भाई ने बताए वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, कैसे लगे वीडियो, अच्छी लगे तो आगे शेयर करें भाई। सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार।